नाम आपका? रामचंद्र किराड़े कावरी। खरगोन में महिला बाल विकास विभाग से संबंधित एक एनजीओ द्वारा होटलों पर काम कर रहे बच्चों को लाया गया। पुलिस और एनजीओ की संयुक्त कार्यवाही में 7 बच्चों को पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां पर एनजीओ और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एनजीओ का कहना है कि 14 वर्ष से कम के हैं और काम कर रहे हैं, जिन्हें मजबूर करके काम कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने एनजीओ पर गलत तरीके से बच्चों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। जानकारी के अनुसार 14 से कम उम्र के बच्चे दुकानों में काम नहीं कर सकते, बावजूद इसके बच्चों को काम पर रख लिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये कुछ एनजीओ द्वारा सक्रिय रूप से बच्चों को पहले दुकानों पर भेजा जाता है और भेजने के आधे घंटे पौन घंटे बाद में आते हैं और आके और फोटो खींचते हैं और केस बनाते हैं और लाके परेशान कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम इस प्रकार के किसी बच्चों को रखते नहीं, नाबालिग बच्चों से काम करवाते नहीं। काम पे रखने से पहले हम आईडी काट लेते हैं। 14 साल से उम्र के बड़े बच्चे को ही हम काम पे रखते हैं। कुछ बच्चे समाजों से गरीब आते हैं छुट्टियों में, स्कूलों से कहते हैं कि भैया स्कूलों की छुट्टियाँ है, हम 8 दिन 15 दिन काम करेंगे कापी किताब कपड़े के लिए। उन लोगों को हम काम पर रख लेते हैं, वो भी आईडी लेने के बाद ही लगते हैं। हमारे 14 साल से छोटे बच्चों को हम बिल्कुल काम पे नहीं रखते हैं। पुलिस का और एनजीओ का ये पुलिस डिपार्टमेंट आपके यहाँ काम करते हुए पाए गए? उन्होंने भेजा नहीं, सुनो जी भेजा, अभी आप बच्चों से बयान लीजिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ बच्चों का है। कहाँ से आए बच्चे हमारी दुकान में, जब काम ही नहीं कर रहे हैं? बच्चे 1 घंटे पूर्व आए काम पे लग गए और आधे घंटे बाद में एनजीओ वाले आ गए, तो उनसे बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे कहाँ से आए और कैसे आए। और बच्चे सेठ का नाम भी नहीं जानते हैं, उनसे नाम पूछा जाए कि भाई दुकान का नाम क्या है, सेठ का नाम क्या है, तुमको किसने काम पे रखा, उनसे सवाल जवाब किए जाए। वो अगर बोले तो हम उसको गुनाह को कबूल करेंगे कि भाई हमने रखा झूठ बोले। क्या शुभ नाम आपका? शंकर सैनी। मैडम ये किस तरह की कार्रवाई करी आपने? 7 बच्चे कहाँ से लाए, कहाँ से पकड़े, कौन से होटल से? एक खरगोन की बस स्टेशन के पीछे एक नटराज होटल है, वहाँ से पकड़ा है। शिव संगम होटल है, वहाँ से पकड़ा है। इसमें 4 बच्चे शिव संगम के, 3 बच्चे नटराज होटल के। क्या कर रहे थे बच्चे? ये बच्चे वहाँ पर बाल मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे होटल में। कोई बच्चा बर्तन साफ कर रहा था, कोई नाश्ता दे रहा था, ऐसे काम कर रहे थे। क्या लगता है इनको जबरदस्ती लाया गया या फिर ये मन से आए हुए? ये अपने मन से ही आए। ये जो इनकी पारिवारिक स्थिति खराब है, इसलिए वो वहाँ पर आकर काम करते हैं। इनके अब जो परिजन है उनसे मिलकर आप किस तरीके से उनको? उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे कि बच्चों से काम करवाना एक अपराध है। उनका अधिकार पढ़ने का है, शिक्षा का अधिकार है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो इन बच्चों को स्कूल के लिए काउंसलिंग करी जाएगी, इनका एडमिशन करवाया जाएगा और ये बच्चे स्कूल, उसके बाद अगर ये हॉस्टल में रहना चाहेंगे, इनके घर से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इनको हॉस्टलों में रखेंगे। होटलों में और अन्य दुकानों पर भी जिस तरीके से लिखा हुआ है कि बाल श्रम अपराध है, उसके बाद भी इन दुकानों पर इस तरीके के बच्चे काम करते पाए जाते, तो इनको आप किस तरीके से बातचीत? इनको भी हम अब हमारा एक प्लान बनाएंगे, हर होटल में जाकर जो बाल श्रम का जो प्रतिबंध नियम जो बनाया है उनके बारे में अवेयर करेंगे और उनको बताएंगे ये गलत है, आपने लिखा है, आप काम करवा रहे हो उनको, जो कम से कम भूख में हो, और आप ऐसे रेस्क्यू हमेशा होते रहेंगे। क्या शुभ नाम आपका? दिव्या पाटीदार। सर ये होटलों से बच्चे पकड़े हैं, क्या मामला है? थाना कोतवाली खरगोन क्षेत्र अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाल श्रमिकों को मुक्त कराना है, उनके वेलफेयर की कार्रवाई करनी है। चिल्ड्रन हेल्पलाइन हम लोगों ने तलब किया और इस अभियान के तहत होटलों पर जब चेक किया गया तो 7 बच्चे बाल श्रमिक के रूप में वहाँ काम करते पाए गए हैं। उनको मुक्त किया है वहाँ से और लेबर ऑफिसर को खबर दी है कि वो अपनी कार्रवाई करें इनके खिलाफ। कहाँ के हैं सर बच्चे? बच्चे अलग अलग स्थानों पर। सर होटल जहाँ पे काम करते पाए गए संचालकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? खिलाफ भी बाल श्रमिक के अभियान उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कितने होटल से सर पकड़े? अभी अलग अलग फिगर आ रही है, कौन कौन से बच्चों से पूछताछ करेंगे, किस किस होटल पर काम करते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी।